बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज कितना भी हो जाए ना बने नहीं विद्या बिन काम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम कहता है भाई गंगाराम गंगापुर का गंगाराम काय गुरु जी सुना है बिशनपुर से लोग आए रहे हैं अरे बड़ा जोर चर्चा है नौटंकी के इस बार जम के रिहर्सल करना तभी ना गंगापुर नाटक मंडली का झंडा फहराएगा आप हर नाटक में गंगाराम को हीरो क्यों बनाते हो खबरदार सुल्ताना भागने की कोशिश मत करना सुल्ताना दिखाकर पीठ भागे ऐसा कायर नहीं बेदम नहीं जब हाथ में पिस्तौल है शायर का कलम नहीं सब लोग उसी का वाही वाही कर रहा है हमारा काम खराब था का अरे सुल्ताना का सिर्फ बाही बाही हो रहा है आप सुल्ताना डाकू बनते ना तो आपको लोग आसमान पे उठा लेते नौटंकी बहुत बढ़िया रहा अरे गंगा आ आ आ आ जा आ जा पायला भी गुरुजी अरे जियो जियो अरे बुजकुनवा सुल्ताना डाकू को चाय पिला रहे हमरा तरफ से एक स्पेशल गुरुजी आपका चेला तो रात कमाल कर दिया अरे ये तो पैदाइशी एक्टर है भैया ये तो गंगापुर का शान है शान आपका आशीर्वाद इसमें कहाँ शक है पहले से ही बड़ा कलाकार था हम तो पहले ही कहते फिल्म में चला जाए तो गंगापुर का नाम रोशन कर दे का अरे हम भी तो यही कहते थे सुना गंगाराम पंडित का भविष्यवाणी कभी चुकता नहीं होता है हाँ, ये बात तो अरे गुरुजी गुरुजी ये देखो अखबार में खबर छपा है नौटंकी का बादशाह कहाँ खबर छपा है कहाँ छपा है वो कहाँ अरे एका एका इधर इधर ये देखो इधर नौटंकी का बादशाह लाओ मैं पढ़ के सुनाता हूँ अरे तुम्हारे लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर है लो सुनो कल रात गंगापुर में सुल्ताना डाकू उर्फ गरीबों का मसीहा नौटंकी खेला गया जिसमें यंग साहब की भूमिका में अर्जुन सिंह कलाकार ने कमाल कर दिया वाह क्या पढ़ रहा है खबर आगे सुनिए सुल्ताना डाकू का अभिनय करने वाले कलाकार का काम किसी को पसंद नहीं आया वो एक्ट टीम के नाम पर गला फाड़ फाड़ कर चीखता रहा बस बस बहुत हो गया अर्जुन पंडित सब जान गए कि तुमको पढ़ने को आता है तो अब मैं पढ़कर सुनाता हूँ अरे अरे इसमें तो शुरू से आखिर तक गंगाराम की तारीफ ही तारीफ लिखा है खैर खैर रुको रुको हाँ क्या खबर छपा है सुनाओ तो अरे बस जिंदगी भर सुनते ही रहना तुम यार चुप रहो तुम फिर तुम चुप रहो बद्री अब सुनाओ जोर से सुनाओ हाँ सुनो नौटंकी का बादशाह गंगापुर का गंगाराम बहादुर प्रसाद उर्फ गुरुजी अरे उठिए गुरुजी प्रसिद्ध नाटक सुल्ताना डाकू खेला गया सुल्ताना डाकू की अदाकारी करने वाला कलाकार गंगाराम ने नौटंकी में जान डाल दी अरे आगे तो सुनो गंगाराम की अभिनय क्षमता देखते हुए कहना पड़ता है कि उसके जैसे बेजोड़ अदाकार की जगह गंगापुर गांव नहीं बल्कि मुंबई की फिल्मी दुनिया में है देखा पंडित जो बोले वही अखबार में छप के आ गया अरे ये पेपर वाले बहुत तेज होते हैं भैया और हम कहते हैं गंगाराम तुम बंबई चले जाओ हमारे गांव का नाम रोशन करो पंडित का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हाँ अगर वहाँ कोनो साथी का जरूरत हो ना तो हमका बुला लेना भैया बैठो हम जाएंगे अरे छोड़ो गुर की पुत्र पगला गए उससे ज्यादा तो आप पगला गए हैं तुमको क्या लगता है ये गंगाराम बंबई जा सकता है
बम्बई हिंदुस्तान में है ना, तो जय यू सकता है। अरे कोई कह दिया कौवा कान लेके जा रहा, तो उसके पीछे काहे भाग रहे हैं? कनवा छू के तो देखिए जगह पे है कि नहीं है। अरे कहा पहले बूझ रहा है, मतलब ई कि गंगाराम तो नहीं कहना कि वो जा रहा है, आप वो बनारस जाए चाहे बम्बई, आप कहे बचने भाई। हर बैलून में हवा भर गया तो उड़ रहा है, हवा निकल जाएगा तो फिर से गिरेगा, कहां? गंगापुर में। अच्छा मान लो वो चला गया, तू वहां जाके करेगा क्या? भाई जी आपको गंगाराम का बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे गंगाराम का बुखार हमको नहीं चढ़ा है, वो गुरुजी को चढ़ा है, गुरुजी को। अरे नौटंकी में हमने इतना मेहनत किया उसका कुछ नहीं, नौटंकी का बादशाह गंगाराम बन गया। ये बात तो है, कम से कम हम लोग को दरबरिया बना देता। चुप, कुछ का कुछ बोलता रहता है, हम कोनो बादशाह से कम है का? लेकिन अगर गंगाराम बंबई चला गया तो क्या समझते हो, सब फिल्म में काम मिल जाएगा क्या? मिल ही हो सकता है, अरे वहां तो कुत्ता बंदर हाथी सबको काम मिल जाता है। लेकिन गंगाराम तो निपट जाहिल है। अरे कुत्ता बंदर पड़ सकता है का? अरे मजाक मत करो यार, गंगाराम एक सूर्य आदमी है, जो दिमाग में घुस गया वो करके छोड़ता है। अच्छा हम बंबई नहीं जा सकते का? क्या करेगा जाके? अरे नौटंकी को बादशाह को जाने दीजिए ना, वहां तो उसको कोई दरबान के लिए भी नहीं पूछेगा, तो आप बनिए यहां के बादशाह। समझे कि नहीं? हाँ। बात तो है, लेकिन एक बात है रघुआ, गंगाराम जाएगा बंबई और हम रहेंगे यहां गंगापुर में, तो लोग हमको उससे ज्यादा वैल्यू कैसे देगा? आप सोचते बहुत हैं, इसलिए बहुत सवाल पैदा होता है। चलिए हम गाड़ी साफ कर दिए हैं, बाद में सोचेंगे। माई आज गई है, मैया ने हमारी बात सुन ली। अरे क्या हुआ, इतना खुश नजर आ रहा है? अरे अखबार में आज हमारा फोटो छपा है। हाँ, और लिखा है उसमें कि गंगापुर की नौटंकी का बादशाह गंगाराम, सब लोग बहुत तारीफ कर रहा है हमारी। अरे तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तू तो है ही तारीफ के काबिल। और माई अखबार में ये भी लिखा है कि अब हमको फिल्म में जाना चाहिए। अच्छा हाँ। बद्री ने पूरा अखबार पढ़ के सुनाया, बहुत तारीफ करते हैं, तू क्या कहती है? अरे मैं ये सब कहा समझूं, तुम फिल्म करो या नौटंकी, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। फिल्म के लिए बम्बई तो जाना ही पड़ेगा, क्यों गंगापुर में ना ही कर सकता? बहुत बोली है माधु, फिल्म सिर्फ बम्बई में बनती है और कहीं नहीं बनती। सुना है बम्बई तो बहुत दूर है बेटा। हाँ दूर तो है, लेकिन अगर फिल्म में काम करना है तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। रोज आना जाना तो हो ही जाएगा ना। रोज कैसे आएंगे जाएंगे माई, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी से 3 दिन लगता है। रेलगाड़ी से? तब तो बहुत पैसा लगेगा बेटा। वो तो है, लेकिन फिक्र मत कर, हम सब इंतजाम कर लेंगे। बेटा तेरी मर्जी है, तू तो जा बम्बई, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, तू तरक्की करेगा तो कल मेरा ही सर ऊंचा होगा ना। लेकिन माई तुझे अकेला छोड़कर? अरे तू मेरी फिकर छोड़, अभी तो तेरी माँ के हाथ पैर सलामत है, और फिर मैं अकेली कहाँ हूँ? बद्री है, बसेश्वर है, और फिर ये कुंती भी तो है ना, ये सब लोग मेरा ख्याल रखेंगे। तो माई हम सच में जाएं? अरे कहाँ ना जा। शाहरुख गोविंदा ठहरो, हम आ रहे हैं। अरे पगले पहले खाना खा। हाँ खा रहे हैं। अरे गंगाराम तुम कब आए? आओ आओ भाई। नमस्ते 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 नमस्ते। भाई तुम्हारे एक्टिंग की तारीफ तो मैंने अखबार में पढ़ी, पढ़कर तो भाई मैं बड़ा खुश हो गया। अच्छा ये बताओ तुम आगे कौन सा नाटक करने जा रहे हो? अब आगे तो यहाँ नाटक नहीं करेंगे, हम बम्बई जाएंगे, वहाँ अपना तकदीर आजमाएंगे। हाँ फिल्म में हमारे गुरुजी का भी यही इरादा है। ये कहत हो भैया? अरे हम कहते कि तुम बम्बई मत जा, वहाँ का हवा पानी ठीक नहीं है। और देखो यहाँ से जो लोग बम्बई जाते हैं ना, जाके भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ अपने गांव का जो छेनुआ का लड़का है ना, वो बम्बई गया तो बम्बई जा करके वो किसी दूसरे जाति की लड़की से शादी कर लिया, और देखो भैया अपने माई बाप तक के भूल गया। गांव की छोटी तालाब में तैरने वाली मछली बम्बई के समंदर में तैरने जाएगी
तो छटपटा के मर नहीं जाएगी। और ये ठहरा अनपढ़ सीधा साधा आदमी, और वहां इसको भेजकर काहे इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो भैया? अरे तुम काहे सबको डराते रहते हो, खुद तो गांव के बाहर कभी गए नहीं, बेवजह बोलते रहते हो। पता नहीं क्यों लोग हमेशा उल्टा सोचते रहते हैं। खैर जो मन में आए सो करो। ए भैया उठिए तो, कहाँ कहाँ हैं? ऐसे कहाँ देख रहे हैं, पहचानते नहीं है का? पहचानते हैं, तभी तो देख रहे हैं ना कि गंगाराम और किताब की दुकान में। कहे हम किताब की दुकान में नहीं आ सकते का? कहे नहीं भैया, कहे नहीं, पर जहाँ पढ़ाई लिखाई का काम वहाँ कैसे पहुँच गए गंगाराम? अब देखिए शायरी वायरी ना करिए, हमको चार तीन चार फिल्म की किताब दिखाइए। पढ़ना है का? अरे कहे मजाक करते हैं, पढ़ना नहीं फोटो देखना है। हीरोइन का? हम हीरोइन को देखे चाहे हीरो का, आपका मतलब आप किताब दिखाइए बस। ला भैया ला। देखो देखो लेकिन तनिक संभाल के, कहीं हीरोइन ना देख ले तुमको। ये बताओ ये चाटो किताब का कितना? 40 रुपया भैया। और हम एक घंटा में वापस कर देता हूँ? 20 रुपया वापस। आग मोहब्बत की इधर भी लगी है, जो हाल तेरा है मेरा भी वही है। ऐ मेरी गुलबदन बताओ कब होगा अपना मिलन? दिल दिया है तो जान भी दे सकते हैं, अगर कोई आया बीच में तो उसकी जान भी ले सकते। चलो दिलदार चलो नदिया पार। भी पहुंच गया कमबख्त। अरे बच जाओ, जाता है किधर? तुझको मेरा बिल्कुल नहीं है डर? भाग जा वरना मेरे हाथों से मर। वो जो साथ है तेरे मेरी है मंगेतर। मंगेतर नहीं छोड़ूंगा तुझे गंगू। अरे गंगू नहीं छोड़ेगा इसे, घबरा मत मेरी प्यारी, बनाता हूँ इसका कचूमर। अरे गंगाराम ये रिसाला पढ़ने के लिए है, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं। जाओ पहले पढ़ना सीख के आओ, उसके बाद ये किताब खरीदना। अरे तू यहाँ कैसे? तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा से मिलने गई हैं। अरे मिलने गई तो खीकी क्या कर रही है? तो तुम अखबार उल्टा लेके कहे बैठे हुए थे? अरे लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। अरे तो उल्टी कोशिश करोगे तो उल्टा ही सीखोगे ना। अरे तो हमको क्या मालूम उल्टा कैसा होता सीधा कैसा होता। ये देखो ये अखबार उल्टा है, अब ये आदमी सीधा हो गया ना, अखबार सीधा हो गया। अच्छा तो ऐसा सीधा होता है। हाँ। अब हम अनपढ़ हैं, हमको क्या मालूम सीधा ऐसा होता है और उल्टा ऐसा होता है। कोई बात नहीं, हम तो थोड़ा पढ़े लिखे है ना, हम बताते हैं। ये देखो इसमें हमारे गंगा की नौटंकी की तारीफ लिखी है। खैर सोचा बंबई जाने से पहले आपके मनपसंद की हर चीज बना के खिला दूं, पता नहीं फिर कब मौका मिले। ये लो खीर। तुम हमारा कितना ख्याल रखती है। आपको भी किसी के मन का ख्याल है? अरे तो का हर बात बताकर कहना जरूरी है? मत बताओ, हमें सब मालूम है। का मालूम है? नहीं बताते। ना बताओ, हमको भी सब मालूम है। क्या मालूम है? यही कि खीर बहुत अच्छी है। अरे आवा आवा गंगाराम आवा, तुम तो हमारे गंगापुर की शान हो। बैठो बैठो। ए तुम लोग पीछे किसको, कलाकार लोगों को आगे बैठने दो। चलो बैठो बैठो बैठो।
अरे गंगाराम तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो, आए आवा आ जाओ आ जाओ बैठो। हाँ तो भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि हमने आप लोगों को यहाँ काहे बुलाए हैं। देखा, नाटक तो बहुत जगह खेला जाता है, लेकिन गंगापुर जैसा नाटक आसपास के केहू गांव में ना खेला जाता है। कोई बता सकता है काहे? वहाँ गंगाराम नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे तो गंगापुर का सौभाग्य है, हमारे यहाँ जबरदस्त आर्टिस्ट गंगाराम जी हैं, जबरदस्त डायरेक्टर गुरु जी हैं, और हमारे सारे कलाकार, बढ़िया कलाकार अर्जुन, बद्री, विश्वेश्वर और रघु हैं, एक से एक कलाकार है। और कुंती का तो जवाब ही नहीं है, वो तो लाजवाब है। जिस गांव में ऐसी नाटक मंडली होगी, नौटंकी में ऐसे गांव से कौन लोहा ले सकता है। भाइयों, एक खुशखबरी और, बिशनपुर वाले गंगापुर की नाटक मंडली को अपने गांव में नाटक खेलने का न्योता दे गए हैं। अगली पूर्णिमा के दिन फिर गंगापुर का झंडा लहराएगा। नाटक सफल होने की खुशी में पंचायत की तरफ से गंगाराम जी को इनाम देने का फैसला हुआ है। और हम लोगों को? आप लोग हमारे घर भोज खाइए। अरे भाई, टीम जब जीतती है तो इनाम किसको मिलता है? टीम के कैप्टन को ना। लाओ भाई लाओ। लो गंगाराम, लो। अरे अर्जुन को काहे पकड़ा गया? काहे को तुमने उसके लिए भविष्यवाणी नहीं की? देखिए न, सरस्वती मैया का इनाम मिला है हमको, ऐसे थोड़ी। इधर आ। काहे? जरा अपना इनाम तो दिखा। नहीं देंगे, नहीं ऐसे देख लो, लो। अरे काहे नहीं दोगे तुम, अपने को पंडित समझते हो? अरे सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए किसी जाहिल के हाथ में शोभा नहीं देती, इसमें देवी का अपमान है। अरे तो ये कुलबतिया जाके मुखिया जी को काई नहीं समझा है, कह देते कि इनके हाथ में नहीं दीजिए, हमारे माथे पर रख दीजिए। अरे बड़ा मुश्किल से दो दर्जा का पास कर लिया, अपने आप को बड़का विद्वान समझ लिया है? जब देखो एक ही बात, तुम गंवार हो, बेवकूफ हो, अनपढ़ हो। अरे जलनखोरी में खुद जल के खाक हो जाके। ये जलनखोरी नहीं, सच्चाई है, और जो सच है वही कहते हैं हम। ए अर्जुन सुनो, जो मर्जी आप कहते रहो, सच्चाई तो ये है कि तुमसे ज्यादा नाम और इज्जत है हमारा। चलो जी चलो। और एक बात और सुन लो, हम बंबई जाएंगे और साथ में सरस्वती मैया को भी लेकर जाएंगे। और का, चलो। यार बद्री, ये अर्जुन इतना बदल काहे गया? अरे जलन खोरी भैया। लेकिन वो हमसे काहे जलता है, वो भी तो तुम लोगों जैसा हमारा साथी है। अरे अगर हमरे जैसा होता तो ऐसा काम करता? आदमी खुद तो देखता नहीं कि कैसी बदमाशी करता है, और दूसरों पे उंगली उठाता है वो। अगर वो ये समझता है कि हमारी वजह से उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो हम भी एक फैसला किए हैं कि हम यहाँ नहीं, बम्बई जाकर अपना तकदीर आजमाएंगे, और लोग भी तो यही कह रहे हैं ना। ठीक सोचे हैं भैया, अरे हम तो अब तक मजाक समझ रहे थे, लेकिन तुम्हारे जाने से अर्जुन वा को कोई फायदा नहीं होने वाला है भैया। अरे वो तो अपने जलन में ही छटपटा के मर जाएगा। भाई जी, आपके जाने से तो हम लोग एकदम अनाथ हो जाएंगे। हाँ भैया, सब लोग दिल से मानते हैं कि मुंबई के तिलस्मों को तोड़कर आप काम फतेह कीजिए। अरे फतेह तो होना ही है विषय सर, लेकिन एक बात पक्का जानिए गंगा भाई, आप अगर सिनेमा में आइएगा ना तो हम शहर में जाकर देखेंगे, और अगर टीवी में आइएगा तो गांव में देख लेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। ठीक है, हम भी अपनी कोशिश और कर्म में कौन कसर नहीं छोड़ेंगे। आगे बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। भूख लगी है ना? ठहर, देती हूँ खाने को। अरे वाह, आज हमने गैया को काहे घास खिला रही, कौन मतलब है का? हाँ बोल। अपने खाने पीने का ध्यान तो रखते नहीं हूँ, कम से कम इस गैया को तो टाइम पे खाना पीना दे दिया करो। हमरा माई कहाँ? हमारी माई से बतिया रही है। और तू कब आई? पूछिए क्यों आई,
अब नहीं पूछेंगे तब? तब भी हम तो बता ही देंगे। बताया दे। आपको बधाई देने आए हैं। वहाँ तो कितनी भीड़ थी और आप हमारी तरफ देखे भी नहीं, चले गए। आपका इनाम भी ठीक से नहीं देख पाए। इनाम देखना है? हाँ। अच्छा तो आ चलो इनाम दिखाते हैं, चलो। ये देखो। कितना सुंदर है। लेकिन तुम्हारे हाथ में ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। सो का है? अरे वो अर्जुन के हाथ में एकदम गंदा लग रहा था, तुम्हारे हाथ में बहुत सुंदर लग रहा है। कहे कि तुम्हारा मन एकदम साफ है और तुम्हारे मन में सचमुच का खुशी हमको दिखाई दे रहा है। अरे तुम तो सारे गंगापुर की शान हो, तुम्हारी कामयाबी में सारे गांव की खुशी है। अरे छोड़ो, लेकिन अर्जुन नहीं समझता, वो समझता है कि इसमें सिर्फ हमारा कामयाबी है और हमारा दुश्मन बन गया है, जानती हो? जानती हूँ। जो सब देखती सुनती हूँ वो समझती नहीं हूँ का? वो अर्जुन तो सनकी है, अपने ही डुगडुगी बजाता है, अपने ही नाचता है। आप इस सब बात की फिक्र मत करिए। का है? वो सबके सामने हमको जाहिल अनपढ़ गंवार कहता है सो? ये भी जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे एक बात कहने आई हूँ। ये देखो, सरस्वती माँ खुद तुम्हारे पास चली आई है, अब तुम भी इनकी शरण में आ जाओ। चाहोगे तो अब भी शिक्षा की कमी पूरी कर सकते हो, फिर हमेशा हर बात में सबसे आगे रहोगे। कुंती, हम एक बात सोचे हैं। क्या सोचे हो? हम सोचे हैं कि बंबई जाऊं और वहां जाकर अपना किस्मत आजमाऊं। काहे? अखबार में लिखा है इसलिए? अरे अखबार में नहीं, गांव का भी सभी लोग यही कहता है कि हमको बंबई जाना चाहिए। जो तुम्हारी तरक्की चाहेगा वो तो यही कहेगा। और तुम? माई से पूछे हो? हाँ, माई से पूछा, माई ने कहा जाओ। तो जो तुम्हारी और माई की मर्जी वही हमारी मर्जी। प्रणाम गुरुजी। अजियो। अबे की ना। भाई। हाँ। का बात है अर्जुन, आज सवेरे सवेरे कैसे? भाई जी के दिमाग में एक बात आ गई थी। अच्छा? ये तो रात से आपसे मिलने के लिए छटपटा रहे थे। अरे छटपटा रहे थे तो जूता काहे नहीं सुंगा दिया, वही ठीक हो जाते। अरे मिर्गी विर्गी का दौरा पड़ा रहेगा, गंगा भैया का नाम जो अखबार में छपा है। ए मिसेस शर्मा, ज्यादा पिटर पिटर करेगा ना तो ये मार के घर दूंगा तुझे मैं। ए तुम लोग झगड़ा वगड़ा मत करो, ए जग ठहरो, दूध हो जाए दे दो। अब बताओ क्या बात है? गुरुजी, हम ही कहने आए हैं कि अगली पूरनमासी में किशनपुर में होने वाले सुल्तान डाकू नौटंकी में सुल्तान राव का रोल हमें करना है, गंगा को नहीं देना है। अब ये मौका हमें आपको देना पड़ेगा। का बेवकूफ जैसी बात करते हो? अरे बिशनपुर वाले गंगा का तारीफ सुनकर ही हमारी नौटंकी अपनी यहाँ खेलने का मौका दे रहे हैं ना। और का? अब सुल्ताना डाकू गंगा की जगह तुम बनोगे तो लोग तुमको पत्थर फेंक के मारेंगे। गुरुजी, ये विशेष शर्मा को समझा दो, नहीं तो हम इसे अभी धो डालेंगे। अरे काय गुस्सा करते हो, अगली पूर्णिमा तक गंगा गंगापुर में रहेगा तब ना। वो का अमेरिका जा रहा का? अरे अमेरिका तो नहीं, पर कौन जाने तब तक बम्बई चला जाए। बड़का हीरो बनने फिल्म में। हाँ हाँ, अगर गंगा नहीं रहेगा तब हम तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं। और तब तक तुम अपने आप को तैयार कर लो, वो भीषणपुर वालों का लात खाने के लिए और जूतों का हार पहनने के लिए। ये तो समय बताएगा बच्चू, कौन लाइट खाता है और कौन फूल पहनता है। फूलों का हार। अरे का इतनी देर लगा दिया, पांव में मेहंदी लगा रखी क्या? मेहंदी लगाए रखे होते तो ऐसे आते क्या? तो कैसे आते? डोली में बैठ के आते, गाजे बाजे के साथ, अपने दूल्हा के साथ। लो एक चिल्ली की तरह सपना न देख, चल गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्या काम आ पड़ा कि तुम्हारे साथ हमें भी बुला भेजा? अरे वो बद्दी रो विशेषर बता रहे, बहुत जरूरी काम, और उस काम के लिए हम दोनों की सहमति जरूरी है। कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी के घर के ससुराल? नहीं, उनके होटल जाएंगे। वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, जो बात है यही बता दो। अरे हमको ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन वो बद्री विशेषर बता रहा था कि बिशनपुर में मेला लगेगा और हुआ नाटक होगा, और उस नाटक में जो कलाकार सबसे बढ़िया काम करेगा उसको इनाम भी मिलेगा। तो इसमें हमसे क्या सहमति लेनी है? जहाँ गांव की नौटंकी मंडली जाएगी और तुम जाओगे वहाँ हम भी चले जाएंगे साथ में। अभी नाम मिला तब? तो वो हम तुम्हें दे देंगे बम्बई जाने की खुशी में। अरे तो नहीं जाओगे? नहीं। देखो कितनी लंबी उम्र पाई गंगा ने, वो आया चला सामने से। पाए लागे गुरुजी। अजियो जियो गंगा। बैठो बैठो बैठो। अरे इधर आओ ना, इधर बैठो। अरे गुरुजी वो तो हम कब का जाते, ये कुंतिया ने आने में आना कहानी की,
जहाँ औरंग से पाला पड़ा नहीं कि ससुरी वहीं देर हो जाती है। अच्छा गुरुजी, अब बोलिए क्या बात है। अब तो आपका चहेता गंगुआ भी आ गया है। हाँ बोलते हैं। आज की मीटिंग का उद्देश्य बहुत महान है। अब वो उद्देश्य है गंगा को बड़का हीरो बनने के लिए बंबई भेजना। भाई जी जरा हीरो का मुंह तो देखो, फिल्म वाले गंगवा को चपरासी का भी रोल दे देगा ना तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा। चुप रुबक, तेरे पास है क्या जो हारेगा? चुपचाप सुनो। अब बंबई जाने के वास्ते बहुत सा रुपया दरकार होगा। हमारे पास एक ठो प्रस्ताव आया है कि बिशनपुरा में इतवार के दिन नाटक महोत्सव होगा, उसमें नया नया नाटक खेला जाएगा। आसपास की नाटक कंपनियां अपने अपने नाटक लेकर आ रही है और उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री को 1,000 का पुरस्कार मिलेगा। और खुशी की बात यह है हमारे गंगापुर नाटक मंडली को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वाह। तो गुरु जी कौन ऐसा नया नाटक है जो इतना जल्दी तैयार हो जाए? हाँ है ना, एक ठो राजा पुरुरवा और उर्वशी, ये नाटक हमको जबानी याद है। तो गुरु जी राजा पुरुरवा का रोल कौन कर रहा है? इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो आप ही करोगे, आप एकदम राजा लगते हो। नहीं देखो, राजा पुरुरवा का रोल गंगा करेगा। गुरुजी आप पक्षपात कर रहे हो, हमेशा गंगवा को हीरो का रोल देते हो। अरे तो जो हीरो लायक होगा वही ना हीरो बनेगा, और जो जीरो वो जीरो। ई बात नहीं अर्जुन, देखो गंगा को पैसे का जरूरत है, अगर वो पहला इनाम जीत लेता है तो उसको बंबई जाने का मदद मिल जाएगा। हाँ। अब बाकी जो लगेगा वो हम देख लेंगे। अब दूसरा बात ये है कि वो रोल के काबिल भी है। गुरुजी उर्वशी का रोल कौन करेगा? उर्वशी के रोल के लिए तो कुंती को बुलाए थे, कुंती ही तो एक लड़की है हमारी नोटिंग की मंडली में। लेकिन ये कैसे हो सकता है गुरुजी, हमारे गांव की लड़की दूसरे गांव में जाकर नाटक करे, इससे हमारे गांव की बदनामी होगी। अरे तो खुद ही क्यों नहीं मुझ मुंडा के उर्वशी का रोल कर लेते, जैसे रिहर्सल में किया था फूल कुंवर का। अच्छा गुरुजी, कुंती ने कहला भेजा है कि गांव के नाटक के लिए वो कहीं भी जा सकती है, अब भगवान की कृपा से कहीं 1,000 रुपया इनाम मिल गया तो वो हमारी मुंबई यात्रा के लिए देवी दे। तब ठीक है, कल से रिहर्सल शुरू कर देते हैं। पर गुरुजी गंगवा तो अनपढ़ है, इसे पढ़ना नहीं आता। अरे क्या बार बार एक ही बात बोलते रहते हो, वैसे जैसे सुल्ताना डाकू याद कर लिया था वैसे ही याद करेंगे। यहाँ तो लोग याद करा देते हैं, अब देखते हैं वहाँ बम्बई में कौन याद कराता है तुम्हें। चल रघु चल, जा रहे हैं। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, ए एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम गंगापुर का।